आज हम कक्षा 9वीं में विषय हिंदी पाठ 2 लिहाजा की ओर पढ़ेंगे, जिसमें अब लेखक परिचय है राहुल साक्रात्यायन। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंडाह जिला आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। प्रमुख कार्य हैं इनके मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ शास्त्र। पाठ का सार इस तरह है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्मवेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलेड़कोड़ का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए लेखक ने मुख्य रास्ता बताया। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहां औरतों पर पर्दा नहीं डालती है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और जरूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देंगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले, तो एक व्यक्ति को 2 चिट्टे राहदारी देकर थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां सुमति मंगोल भिक्ष राहुल का दोस्त पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16,000-17,000 फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गाँव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की और पहाड़ों के कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लटकोर का रास्ता दाहिने के तरफ तथा, जिससे लेखक को देर हो गई तथा उस अनुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लटकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तहरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तेहरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू की नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुन बसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में
लग लेखक तक, लेखक पढ़ने में से लेखक ने पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा। उन्होंने कहा कि चूंकि तेहरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। सुमति का परिचय है कि वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल भिक्षु था। उनका नाम लोबय जड़ शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञा अथवा, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। कठिन शब्दों के अर्थ। अब दाना यानी ऊंची जमीन, थोगला तिब्बती सीमा एक स्थान, भीटे टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले, थुप्पा सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, भरिया भारवाहक, दोनिक कस्तो स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंट जे टेज के उपन्यास डॉन क्विट जोट का नायक। अब बच्चों हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, थोगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहां के लोग शाम को होते ही ठंड पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। प्रश्न दूसरा है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ ना पुलिस का प्रबंध था ना खुफिया विभाग था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। प्रश्न तीसरा है, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर है, लटकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। प्रश्न चौथा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद के हस्तलिखे पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने से प्रयास नहीं किया। प्रश्न पांच, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। डांडा थोगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। लटकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए थे। प्रश्न छः, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर है,
उस समय तिब्बती समाज में